रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो कभी आपने सोचा, थोड़ा सा टेक टाइम टू थिंक, थोड़ा सा रुकें, सोचें कि क्या आप जो हैं अपनी पढ़ाई में आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या आपके सोचने की इस्तेदाद बढ़ी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पहले से बेहतर हैं, आपको किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर होना चाहिए है, आपके अहदाफ क्या हैं, मुझे कहाँ पे फोकस करना है, मुझे किस चीज़ की समझ आती है और क्या मुझे याद करना पड़ता है, क्या मैं कुछ नया सीखता हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये वो सवाल हैं जो आपको अपने आप से करने चाहिए। आपके चार ही अहदाफ हैं या गोल्स हैं या टारगेट्स हैं कि आपने अल्लाह का बंदा बनना है, फिर आप मुसलमान हो, फिर आप इंसान हो और फिर प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनना चाहते हो। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि दो लाइनें बनाएं, एक पे स्ट्रेंथ्स लिखें, एक पे वीकनेस। स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है आपको अपनी खूबियों का पता होना चाहिए और वीकनेसेस अपनी खामियों का, क्योंकि जब तक आपको खुद शनासी और खुद आगाही नहीं होगी, आप अपनी खामियां दूर नहीं कर सकेंगे और खूबियों को ज्यादा निखार नहीं सकेंगे। तो उसके लिए एक प्लानिंग करें कि आपने कौन कौन सी खामियां अपने अंदर से निकालनी है, फिर उन खामियों को निकालने में जुट जाएं, फिर अपना तजिया करें और उसको बेहतर अमल करने के लिए उसमें रोज बेहतरी की नज़र से देखें। तो अब ये आपका टेस्ट है, TCH, कंप्लीट द वर्ड्स बाय एडिंग TCH साउंड्स। तो ये क्या है, ये है व और इसके आगे TCH साउंड बन लगाएंगे तो क्या आएगा, वॉच। तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और इसके स्पेलिंग करें वॉच, व अ च वॉच। तो वॉच के स्पेलिंग अब आपको पक्की हो जाने चाहिए, ये आपको अगर अब तक नहीं आए तो आपको सोचना चाहिए। स्विच, स व ई स्वी और आगे आपने टी सी एच च साउंड लगाई तो क्या बन गया, स्विच। हम इलेक्ट्रिकल स्विच को यूज करते हैं, टीवी, फ्रिज, हर एक जो है इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करने से ऑन होता है, स्विच, स्विच। ये क्या है, बॉय इज ट्राइंग टू कैच अ बॉल, क अ च कैच, कैच। वीडियो स्टॉप करें और कैच का मतलब होता है पकड़ना, इसके स्पेलिंग लिखें क अ च कैच, कैच। अब ये क्या है, मैच स्टिक, मैच स्टिक्स, म अ च मैच, म अ च। वीडियो यहां पे स्टॉप करें, खुद से इसके स्पेलिंग लिखे फिर आगे चेक करें, म अ च मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियों को मैच स्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, क ए च अप कैचअप। वीडियो यहां पे स्टॉप करें, एच आप केचप के स्पेलिंग लिखें, शाबाश। केचप आपको पता है कि आप चिप्स के साथ और चीजों के साथ टमाटर की चटनी मिला के खाते हैं, इसको केचप कहते हैं। अब आपने क्या करना है, राइट योर फेवरेट TCH वर्ड एंड मेक अ सेंटेंस। अपना फेवरेट TCH वर्ड लिखें और मेक अ सेंटेंस। हाँ, मुझे तो लगता है कि आपको केचप ही पसंद है, आप चिप्स के साथ खाते हैं, तो माई फेवरेट वर्ड इज केचप, आई लाइक टू ईट केचप। ये सेंटेंस बन गया कि मुझे केचप खाना अच्छा लगता है। अब ये आपके सामने वर्ड्स हैं, इनमें से TCH साउंड्स को वाले वर्ड्स को एनसर्कल करें। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें, ये एक्सरसाइज खुद से करें और उसके बाद इसका जवाब चेक करें, शाबाश। तो हमने देखा कि स्विच में, स्टिच में, केचप में जो है वो TCH साउंड्स आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस कार्ड में से TCH वर्ड को एनसर्कल करें, शाबाश। तो अब तो आपको जरूर ही आना चाहिए, तो बहुत ही आसान है कि ये फैट, हैट और विच में TCH साउंड आती है। और ये आपके सामने प्लास्टिक, पिचर, लैच और लिफ्ट, चार वर्ड्स हैं, इनमें से TCH साउंड्स को एनसर्कल करें। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और शाबाश, इसके बाद इसका जवाब देखते हैं। लैच और पिचर, लैच चिटखनी को कहते हैं और पिचर घड़े को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।